का भरपाई कौन करेगा? ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, देख लीजिए, और लोगों को चोट भी लगा है, किसी के हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। 50 लोगों की संख्या में बता दे रहे हैं, लाठी पहना, डंडा, छड़ राड जो भी लेकर इतने लोग घूम गल्ला होता है, उसको अखबार में पकड़ लिया, थोड़ा लग गया थोड़ा हमें तो भैया सर पे चोट आई हमारे, और इनके फिर वहाँ से चले तो इनका हाथ त्याग। अच्छा, ये भी ड्राइवर है? आप भी ड्राइवर की शादी थी ना जी, तो आपको भी मारा पीटा गया था जी? चोट गाजीपुर जिले में नंदगंज थाना के अंतर्गत पहलवानपुर एक गांव पड़ता है, वहीं पर हूँ, और यहाँ पर बताया जाता है कि बारात गई थी कहीं, क्या हुआ था इनके साथ, वहाँ पे मारपीट हुई है, गाड़ियों का मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ियों का शीशा उसा तक तोड़ दिया गया है। यहाँ से बारात गई थी इसी गांव से, और कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनके हाथ में चोट लगा है, किसी के सर में लगा है, ऐसे कई लोग घायल हैं, और भी कुछ है, सारा कुछ इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन प्रजापति। तो क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, बस हम लोग वहाँ से खाना के जो आए तो देखे थे सब गाड़ी का शीशा फूटा हुआ था। बारात कहाँ गई थी? वहाँ तुरनावाड़ा। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे कहाँ से घर से आए आप लोग, तो गाड़ी कहाँ दूर खड़ी थी? गाड़ी से मतलब 100 मीटर दूर खड़ी थी वहाँ से। अच्छा, आप ड्राइवर हैं? हाँ। अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी खड़े थे तो जो सब ड्राइवर हम साथ में ही थे, खाना खा के वहाँ से जो चले तो देख रहे तो यहाँ से सब गाड़ी का शीशा फूटा हुआ था, उसके बाद जो गाड़ी निकले हुए थे तो फिर दोबारा हमला हुआ हम लोग पर। अच्छा। हाँ, तो फिर दोबारा हमला हुए तो भैया सर पे चोट आई हमारे, और इनके फिर वहाँ से चले तो इनका हाथ त्याग। अच्छा, ये भी ड्राइवर है? आप भी ड्राइवर हैं? क्या नाम है आपका? वकील कुमार। अच्छा, आपका हाथ टूट गया? टूट गया है। तो क्या मारा है उन लोगों ने कि क्या? हाँ, मारे हैं। हाँ, वो पाइप लिए, पाइप वाइप थी उसी से प्रहार कर रहे थे वो लोग। तो जैसे बारात में झगड़ा हुआ तो फिर आप लोग तो ड्राइवर थे, आप लोग को क्यों मारा गया? बारात में झगड़ा हुआ था वहीं गए थे हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के वहाँ से जो हम लोग चलना शुरू किए तब तक प्रहार कर दिए लोग। तो अभी किस और कोई वहाँ पे जिम्मेदार लोग कौन थे जो बारात के तरफ से थे? मालिक हैं, खुद ही आप हैं? आपके घर से बारात गई थी जी? अच्छा। हाँ, आपके ही घर से गई थी जी? हमारे आप, आपके बेटे का? जी जी जी। तो आपका बेटा कहाँ जो दूल्हा बन के गया था? घर है सब। अच्छा, आ गए? आ गए सब, हम लोग लड़की भी आ गई। अच्छा। और उनके पर रथ पर भी मारे तो वो सब बल्ला होता है, उसको अखबार में पकड़ लिया, थोड़ा लग गया थोड़ा। सो बल्ला को लगा? नहीं, दूल्हा। अच्छा, उसको भी लग गया? बच गया। अच्छा अच्छा। अल्लाह लड़का था तो सोचा हम पकड़ लें, कोई बगल में जैसे हम बैठे हैं तो बच गया, उसको लग गया थोड़ा, और 3-4 ड्राइवर घायल हैं। अच्छा। ये लोग को ज़्यादा चोट है, उन लोग को तनी कम है। इतना मन में गाड़ी खड़ी है तो जिससे झगड़ा हुआ उससे करिए कि गाड़ी घोड़ा रथ डीजे सब 15 गाड़ी दूठे डीजे रथ सब तोड़ तार दिए, तो मैं कहाँ से दूंगा, कोई होगा तब ना उसका नियम। तो आप जैसे थाना होना वो पुलिस वगैरह को फोन किए थे, 112 वगैरह सब आई? अच्छा। वहाँ एक गाड़ी पुलिस आई, एम्बुलेंस भी आई कि भाई ऐसा मैटर था ना कि जनाए कि कारगिल की लड़ाई कर रहे हैं सब। अच्छा। यहाँ हम लोग झगड़ा करने गए कि बारात करने गए, गांव घर फोन कर दिए, ईरानी बस्ती आ गई, लौंडे बांस खाड़ी पाइप धराधर मारो तेरो, वो तो आदमी बच गए ना, कहते मंडल हो गए, हम यही कुशल कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा है, कर्जा वो हमसे बनेगा चलेगा, बाकी आदमी नहीं मिलेगा। इतना उपद्रव नहीं था, मतलब कि दूसरे पक्ष से जैसे घर के लोग झगड़ा नहीं किए? नहीं, नहीं, बर्तिया घरतिया से झगड़ा नहीं है। अच्छा, वो यादव लोग आए। अच्छा। ईरानी बस्ती के फोन दो लड़के अपने में किए दारू पी कर, अब बुला दिए फोन करके, बस आ गए 30-35 को। अच्छा। डंडा लाठी लेके बस शुरू काम चलाने, जिसको पाए उसको मार। तो किसी से कहा सुने कुछ हुआ रहा होगा तो? ये लोग नाच गा रहे थे डीजे, तो वो भी कहे हम ही लोग नाचेंगे, उसी में बहसबाजी में अपना भिड़ गए, तो भाई वो फोन कर दिए थे जहाँ बारात आ रही है, गांव गंभीर होता है, बर्तिया क्या करेंगे, तो उसी में कम अपना शुरू कर दिए सब, और कोई टेंशन न कोई दुश्मनी कुछ। अच्छा, अधिकी। अच्छा, मतलब परिवार से कोई मतलब नहीं है, ना घरतिया से ना बर्तिया से, ये कुछ और अराजक तत्व तो आए और उसमें जो है नाच गाने में झगड़ा किए, मारपीट हुई, देख लीजिए इन गाड़ियों की हालत, आप देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ये गाड़ियों की हालत देख लीजिए, ये है स्थिति। अब बताइए कि वो जो है कि इसका भरपाई कौन करेगा,
इसका भरपाई कौन करेगा? ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, देख लीजिए, और लोगों को चोट भी लगा है, किसी के हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। ये देखिए गाड़ी, ये हर गाड़ी का शीशा कोई भी कांच जो है कि नहीं, देख लीजिए, ये है, ये देखिए, सारे गाड़ियों का जो कांच है वो तोड़ दिया गया है। इधर देखिए, इधर 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 देखिए, सारे गाड़ियों का जो है कि शीशा तोड़ दिया गया है, कुछ भी जो है नहीं, देख लीजिए, उसका एकदम से तोड़ दिया गया है। ये देख लीजिए, इसका भरपाई करेगा कौन? ये समस्या है। ग्राम प्रधान की गाड़ी है और इसको भी नहीं छोड़ा गया, ये भी टूट गया, देख लीजिए, इसका कांच उच सारा कुछ, इसकी तो स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है, देख लीजिए, ये है स्थिति। और कहाँ है उनका दूल्हे का गाड़ी, ये वाला? अच्छा, तो बोले ये कहा उनके दूल्हे की गाड़ी और दूल्हे की गाड़ी भी देख लीजिए, ये स्थिति है। उसको भी मारा पीटा गया है, उसको भी मारा पीटा गया, मारे रथ पर ना, तो बचाने में सब अल्लाह को, उनको तनी लग गया, रथ भी टूट गया। अच्छा, रथ तो इसका भरपाई कौन करेगा? हम वही, आप लोग समझिए, हम तो अमर तो नहीं समझ रहे, तो हम क्या समझे, आप तो वहाँ पे मार पिटाई किए वो लोग। हाँ, तो हम मार थोड़ को करने गए, देखिए रथ उसका फोर पार कर दिया। देखिए ये सब, ये रथ है और रथ भी टूट गया, रथ मालिक कौन है, कहाँ हुआ? अच्छा, अब देखिए भाई, ये रथ मालिक है, ये बताइए कि टूट फूट गया, इसका कौन भरपाई करेगा? भरपाई दोनों पक्ष करेगी। अच्छा, हाँ, घराती पक्ष बराती पक्ष इसको करेगी। अच्छा, और कौन करेगा? तो वहाँ पे कैसे अब थे वहाँ पे ना? हम नहीं थे, मैं, वो ड्राइवर गया था ना, ड्राइवर को तोड़ फोड़ कर दिया, उसको मारे तो भाग गया वहाँ से छोड़ करके। अच्छा, हाँ, कोई उधर टूटा, वो जो इंजन टूट गया है पूरा। आपकी भी अभी की शादी थी ना? जी। तो आपको भी मारा पीटा गया था? जी, चोट लगी है, वार किए थे, चोट लगा है। तो आप उस समय कहाँ थे, मतलब रथ पे थे कि रथ पे थे? हम नीचे नहीं उतरे थे, रथ ही पे वार हुआ है। रथ पे रात को ही वार हुआ था, शाम को ना? जी जी, अभी दरवाजे पहुंचने वाले थे तब भी तीन लोग आए थे, वार किए थे, हमारे भांजा था वो बचा है थोड़ा। तो मतलब मार पीट के बाद शादी वादी हुआ? जी जी जी, अभी तो हम लोग को पानी नहीं तक पिए हैं। अच्छा, हाँ, द्वार भी पिए, अभी पहुंचे नहीं। किसी तरीके से शादी हो गई और आप लोग घर पे आ गए? जी जी, फोर साइड जी, जानकी तो नंदगढ़ थाना की तीन थी, जानकी तीन जगह की थाना थी, वगैरह थे। गाड़ी वोड़ी वहीं पे लेके जाना चाहिए थाने पर ना, तो फिर यहाँ पे क्यों लेके आ गए? नहीं तो भेजिए, हैं फिर भेजते हैं घर पर लेके जाइए, मतलब लोगों को छोड़ के फिर आइए थाने पर। नहीं नहीं, लोगों क्या छोड़े, छोड़े लाके गाड़ी नहीं थी नहीं। अच्छा, देखिए क्या हाल था, सब लोग दूसरी गाड़ी से आए, गाड़ी लेकर हिम्मत काम कर रहा था। तो कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है अभी तक? नहीं है, वो लोग का पता है कि वो लोग थाने में रिपोर्ट कर दिए हैं, झगड़ा करके वो थाने चले गए, हम लोग बारात को देखे कि किसी तरह हो जाए। उन लोगों में भी लोगों को चोट लगा होगा क्या? उन लोगों को भी चोट लगा है, कुछ पता है? अब लगा है उसने। देखिए, चोट पहले वो लोग का, हम जो पहुंचे हम लोग बरात लेकर, तो क्या हुआ कि वो लोग बरातिया पर, वह यादव समाज के लोग ने, दो लोगों ने, एक लोगों को हमारे बरातिया पक्ष के लोगों को मार दिए। तो अब ये बताइए, एक लोग मार दिए एक लोग को, तो ये लोग छुड़ाने लगे। अब उसी छुड़ाने में कई लोग को ये लोग मार दिए। अब मारने के बाद ये मामला बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया और उसके बाद इतना मारे, कई लोग हमारे पक्ष के, बराती पक्ष के लोग घायल भी हैं, जिनका सिर फूटा है, हाथ टूटा है, ये संतोष जी ये भी घायल है, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसके बाद हम लोग किसी तरह वहाँ से चले गए फिर, और उसके बाद ये लोग इतने 50 लोगों की संख्या में बता रहे हैं, लाठी पहना डंडा छड़ राड जो भी लेकर, इतने लोग घूम घूम कर बरतिया में हम लोग को खोजे, मारने के लिए मारे भी हैं, दौड़ा हम लोग किसी तरह भागे इधर उधर, घर में लुक के छिपे, ठीक है, अपना जान हम लोग बचाए, लाइट रोड लाइट तोड़ दिए, जनरेटर वहाँ लड़की पक्ष का जो था जनरेटर उसको बंद कर दिए, ताकि पूरे लाइटें बुत गई थी, लाइट बंद कर, पूरे लाइट हाँ बुता अथवा बुता दिए थे, बंद कर दिए थे, इतना बेरहमी से पीटे सब। हाँ हाँ, घर में भी, हाँ, लड़की घर में घुसे हैं लोग, बरतिया जब सब भाग गए थे लोग, बाकी 6 लोग गए थे, तो लड़की घुस में घर में घुस कर उनको भी धमकी वमकी दिए हैं।
और यादव समाज का ये दबदबा रहा और ये कह रहे थे कि चमार सियार ये सब अब शब्दों का प्रयोग बहुत जाति सूचक शब्दों का भी वहाँ पे प्रयोग हुआ है। अच्छा। हाँ ये बर्दाश्त अब समझ लीजिए कि होने लायक नहीं है, इतना दुर्दशा हुई हम लोग की। अच्छा। किसी तरह हम लोग आए। देखिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर मारपीट हुई है इन लोगों के साथ। बताते हैं कि कुछ अन्य लोग थे जो आए थे, ना घर से मतलब है ना बरातियों से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलग कुछ लोग आए और वहाँ पे मारपीट किए हैं। तो इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो है ये वीडियो बनाने का ही मकसद है कि कम से कम इन लोगों को न्याय मिले। और जो अगर सोच लीजिए ये गरीब परिवार है इनका, अब ये जो है इतने लोगों का भरपाई कैसे करेंगे, इतनी गाड़ियां तोड़ दी गई, इतने जो रथ है वो तोड़ दिए गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, उसका जो भरपाई कौन करेगा, ये सारी समस्या है। इस पे इसकी जो है जांच हो, इस प्रशासन है वो उचित कार्रवाई करे और उन लोगों को जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।